डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन फर्दर सस्टेनेबल डिवेलमेंट इन यूके एंड कीनिया हम गुफ्तु कर रहे हैं ब्रिटिश कौंसल का रोल यूके का रोल टू स्टैब्लिश द ई सी इन कीनिया और ई सी के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है फोकस ऑन द सस्टेनेबल डिवेलमेंट इसके ऊपर हमारी बात हो रही है और हमने जो बहुत सारी बातें की हैं उस बातों के अंदर हमने ये देखा कि किस अंदाज़ में ब्रिटिश कौंसल ने यूकिया यूके ने कीनिया को गाइड किया री यूज़ ऑफ़ द रिसोर्स के हवाले से उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज़ हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट के हवाले से अब जो हमारी गुफ्तगुआ है इसके अंदर इंटर डिसिप्लिनरी फोकसिंग विद द लर्निंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन द कम्युनिटी यहां पे इसी के अंदर अर्ली चाइल्ड स्टूड एंड केयर एजुकेशन के अंदर जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अलाइन किया गया करिकुलम के साथ अलाइन किया गया टीचर ट्रेनिंग के साथ अलाइन किया गया स्कूल एक्सपीरियंस के साथ यानी हमारे पास जो रियल लाइफ बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हासिल कर रहे हैं उनको किस तरह किया कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके वहाँ पे यानी एक हमारे पास जो रोल आ गया वो हमारे पास रोल आया उसके इस्टेब्लिशमेंट में कम्युनिटी का और ये जो कम्युनिटी का रोल था ये दो हवालों से था एक तो जो बच्चों के जो वैल्यूज़ हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनके जो बिलीफ्स हैं उनके जो बिहेवियर हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं आज के दिन और हम एज्यूम कर रहे हैं कि आज से 10, 12, 15 साल के बाद जब ये बच्चा सोसाइटी का मेंबर होगा तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोसाइटी हमारे पास बन रही होगी इसका वैल्यू सिस्टम इसका एटीट्यूड इसके बिलीफ इसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली होगा उसके लिए किसकी जरूरत थी उसके लिए हेल्प चाहिए थी कम्युनिटी की क्योंकि जब तक कम्युनिटी उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो इंस्टीट्यूशन अलोन उसमें रोल इतना अच्छा प्ले नहीं कर सकता देखें इंस्टीट्यूशन के लेवल के ऊपर तो जो है ना आपने गाइडलाइन बना दी आपने डॉक्यूमेंट भी बना दिया आपने पॉलिसीज़ भी बना दी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया आपने टीचर्स को ट्रेन कर दिया आपने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क इंग्लैंड के अंदर बनाया हुआ था आपने उसी की गाइडलाइन के अंदर कीनिया के अंदर उनको प्रोवाइड कर दिया जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आप बात कर रही हैं और किस तरीके से आप अचीव कर रहे हैं टारगेट को आपने उसी की रोशनी में कीनिया की पॉलिसी डेवलप करवा दी देखें पॉलिसी डेवलपमेंट का एक जो प्रोसेस था वहाँ तक तो वो ठीक था डॉक्यूमेंट डेवलप हो गया अब डॉक्यूमेंट को जब प्रैक्टिसेस करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए जब तक आपकी कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो जो बिहेवियर डेवलपमेंट प्रोसेस हम चाह रहे हैं जिसके ऊपर हम बहुत तफा बात भी कर चुके हुए हैं और अब इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हुए हैं कि बुनियादी तौर पर जो हम बिहेवियर्स जो एटीट्यूड जो बिलीफ हम उस बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं और उस डेवलपमेंट को इस अंदाज में लेके चलना चाहते हैं कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनके साथ उसको अलाइन होना चाहिए तो उसके लिए यह जरूरी था कि जो कम्युनिटी है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि देखें बच्चे ने एक स्कूल के अंदर कितना वक्त गुजारना है तीन घंटे चार घंटे वो वक्त वहां पे गुजार सकता है घर पर कितना गुजारना है घर पर उसने नाइनटीन ट्वेंटी आवर्स गुजारने अब जिस डेवलपमेंट में टीचर रोल प्ले कर रहा है वो तमाम सेवनटीन ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गुफगू कर रहे हैं पानी की बात करते हैं हम रिसोर्स की बात करते हैं हम उसके अंदर पोल्यूशन की बात करते हैं वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर हम कम्युनिटी का तो बात करते हैं और बच्चों के ऊपर हम उनके लर्निंग के अंदर उनके बिहेवियर के अंदर उनके एटीट्यूड उनके बिलीवस में हम डालना चाह रहे हैं तो उसमें जब तक कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास नहीं आएगी जब कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं होगी वहां पर उस वक्त तक वो इतना स्ट्रेंथन उसका बिलीफ नहीं बनेगा उसका एटीट्यूड इतना स्ट्रेंथन नहीं होगा उसका बिहेवियर जो है उसकी जो आउटपुट है वो स्ट्रेंथन नहीं बन सकेगी इसलिए कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया गया और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक या पॉलिसी की हद तक जूके ने गाइड प्रोवाइड किया को दी अदर साइड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है ना उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के बाद उनको भी इन्वॉल्व किया ताकि ये जिस गाइडलाइन में ये बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसेस हो घर पर भी वही माहौल उसको मिले और वो चीज़ें उसको इन्वॉल्व हो ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए और जो हम टारगेट्स लेना चाह रहे हैं वो टारगेट्स हमारा अचीव हो